इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आखिर क्यों? अगर आप एक अकाउंटेंट है, आर्टिकलशिप कर रहे हैं या एक सीए है तो ये वीडियो आपको काफी फायदा देगा। मैंने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है जो हर समय आपको हेल्प करने वाला है, और ये चेकलिस्ट आपको मिलने भी वाला है। मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे आप ये चेकलिस्ट पा सकते हैं। आखिर क्यों ये वीडियो देखना है, ये चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन काफी बार देखा गया है जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं ना, उनको इतना नॉलेज नहीं हो पाता है, और उनकी भी गलती नहीं होती। बाकी जो सीए होते हैं ना, वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि एक एक चीज आपको समझाए, राइट? तो ये चेकलिस्ट जो है वो आपका हेल्प करेगा कि कैसे आप अकाउंट्स फाइनलाइज कर पाएंगे। और जो अकाउंटेंट रहते हैं ना, वो काफी प्रेशर में रहते हैं। अप्रैल से सितंबर बहुत ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है, मार्च से प्रेशर जो है ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उनको जो है जो भी डिमांड्स रहती है सीए की, वो फुलफिल करनी पड़ती है। कभी ये लिस्ट निकाल के दो, कभी वो लिस्ट निकाल के दो। तो ये जो चेकलिस्ट है, अगर आपके पास पहले से रहेगा तो आपको पता होगा कि जो अकाउंट्स है वो कैसे बनाना चाहिए, या अगर आप बना चुके हैं तो गलतियां कहाँ है, कैसे फाइंड आउट करें, सारी चीजें मैंने बताई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शेयर करें अपना स्क्रीन। चलिए, ये रहा वो चेकलिस्ट। कैसा लग रहा है आपको? तो इसमें मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लगभग यहाँ पर जो है, देखिए रोज चलते जा रहे हैं, 74 से ज्यादा मैंने कोशिश किया है। देखते हैं कितना लाइन आइटम है, 72 है, और 3 जो है वो आप बोनस की तरह ले सकते हैं मेरे से। मैं बता दूंगी कि क्या और आपको चेक करना है। तो ये जो चेकलिस्ट है, इसमें क्या क्या चीज मैंने कवर किया है। सबसे पहले मैंने एक चेकबॉक्स क्रिएट किया है जिसमें येस नो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं येस नो जो भी है, और नॉट एप्लीकेबल में अकॉर्डिंगली। और आप एक्सेप्शंस लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की है। एक्सेप्शन की जगह ऑब्जर्वेशन भी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन जो है वो अपना मेंशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इसे पढ़ना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक एक चीज में पढ़ तो नहीं सकते, ऑब्वियसली 72 पॉइंट्स में नहीं पढ़ने वाली, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली। यहाँ पे देखिए, चेक वेदर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड। जैसे हम सेल तो कर देते हैं, लेकिन सेल के केस में 50,000 से ज्यादा इंटर स्टेट और विद इन द स्टेट 1 लाख से ऊपर हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार हम ई वे बिल जनरेट करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, तो उस केस में हमको ये चेकलिस्ट काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इज द अमाउंट ऑफ सेल इन ट्रेडिंग इज द सेम दैट ऑफ सेल इन 3B1। जब आप टैली में डेटा प्रिपेयर करते हो तो टैली में आपका एक जीएसटी रिपोर्टिंग का सेक्शन होता है, GSTR 1 और GSTR 3B। जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट का सेल है, क्या आपके 3B और 1 से मैच कर रहा है? अगर नहीं मैच कर रहा है तो रीजन क्या, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है मैच करे, हो सकता है फ्रेट, हो सकता है पैकिंग चार्जेस, हो सकता है जिस कारण जो सेल है हमारे ट्रेडिंग का वो हमारे 1 और 3B में जो सिबल वैल्यू आ रहा है उससे मैच नहीं करेगा। वेदर पार्टी वाइज प्रॉपर बाइफर्केशन इज मेड रिलेटिंग टू रेगुलर कॉम्पोजिट स्कीम, आपने जो पार्टी का लेजर बनाया है उसमें प्रॉपर बाइफर्केशन किया है या नहीं किया है रेगुलर और कॉम्पोजिट स्कीम में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आपने HSN प्रॉपरली डिक्लेयर किया है या नहीं, TCS प्रॉपरली कलेक्ट किया है या नहीं, RCM हैज बीन पेड फॉर आउटवर्ड फ्रेट। फ्रेट के केस में RCM जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते थे और आप कंसाइनमेंट नोट जो है सामने वाला इश्यू कर रहा है, तो उस केस में RCM लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वो आपको देखना। अब परचेज की एंट्री आप देख लीजिए कि अरिथमेटिकली प्रॉपर है या नहीं है। फुल ईयर का लिस्ट निकाल लीजिए कि कौन कौन जो है 2B में आपका इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, एक ईयरली हमको भी पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, और हमको डायरेक्टली वो अपने जो भी क्रेडिटर्स है उनको बताना चाहिए कि आपने अभी तक 2B में शो नहीं किया है, आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया है। ठीक है, इंटीमेट कर दीजिए, परचेज को देख लीजिए रैंडम बेसिस पे, ITC की रिवर्सल हो जानी चाहिए। अगर 180 दिन से ज्यादा आपने पेमेंट नहीं किया है अपने क्रेडिटर को, क्या आपने ITC रिवर्स किया है, क्या आपने 16 डिजिट से ज्यादा का इनवॉइस नंबर दिखाया है, क्या आपने परचेज एंट्री गुड्स जब रिसीव हुआ है तब किया है, प्रॉपर कंजम्पशन एंट्री किया। देखो एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हम कंजम्पशन एंट्री जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो हम क्या कर पा रहे हैं ये हमको देखना है, क्या हमने प्रॉपर एक्सपेंसेस सपोर्टिंग है। देखिए बहुत सारे अकाउंटेंट्स को ये पता नहीं होता है कि एक्सपेंसेस जो हम दिखा रखे हैं अपने PL अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, उनका प्रॉपर सपोर्टिंग होना चाहिए। सपोर्टिंग नहीं है तो वाउचर्स आप क्रिएट कीजिए, जो छोटे नेग्लिजिबल एक्सपेंस है
उनको प्रॉपरली सैंक्शन कराइए कि आप सैंक्शन करवा रहे हैं ये सारी चीजें। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग ज्यादातर अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, इस साल का एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड करते हैं इवन इफ अभी तक पेड नहीं हुआ है तब भी, और नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर हमने पहले पे कर दिया है तो वो हमारा प्रीपेड कहलाएगा, है ना। अब कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा सिंगल डे सिंगल पार्टी को नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रॉपर बाइफिकेशन होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट करता है परचेजेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो सेल्स से रिलेट, एडमिन से रिलेट करता है, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीजों का खर्चा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो डायरेक्टली हमारे परचेज और मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट नहीं कर रहा है। अब सेक्शन 194I, 192P टैक्स, ये सारी चीजें देखो कि क्या टीडीएस कट रहा है प्रॉपरली, टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, एज एन आर्टिकल, एज अ सीए तो होगा ही, ऑब्वियसली सीए के पास इतना टाइम नहीं रहता तो वो अपने आर्टिकल को बोल रहे कि भैया ये चेकलिस्ट ले लो और यस नो नॉट एप्लीकेबल कर दो। थोड़ा नॉलेज होने की भी जरूरत है, नॉलेज नहीं है तो गूगल भी है, यूट्यूब भी है, कहीं से अभी आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्सेज चाहिए तो वहां से भी आप ले सकते हैं, हमारा ऑफलाइन सेंटर 4 जगह है, मिंटो पार्क, शोभा बाजार और आपका टॉलीगंज और सालकिया। आप पूछ रहे होंगे मैम कौन से स्टेट को आप बिलोंग करती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हूँ और मैं कोलकाता में मेरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्किल शॉट, जहां पर हम अकाउंटिंग का पूरा एडुकेशन अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम भी हमारे पास है, आप अपने प्लेसमेंट के बाद भी हमें पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। PFASI आपको देख रहा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू लेना होगा, क्या PFASI एप्लीकेबल है, ब्लॉक क्रेडिट तो एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ क्रेडिट्स हम ले नहीं सकते सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के तहत, तो उस केस में हमको देखना है कहीं हम तो ले नहीं लिए वो क्रेडिट। RCM की एप्लीकेबिलिटी देख लीजिए, इंश्योरेंस के केस में प्रीपेड देख लीजिए, प्रीपेड का मतलब क्या होता है आपने पहले से पेड कर दिया, नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर आपने पहले से पे कर दिया तो इस साल खर्चा नहीं माना जाता, वो क्या माना जाता है प्रीपेड। प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ऑडिटर रेम्यूनरेशन वो बहुत जरूरी है हम सीए लोग के लिए, प्लीज अकाउंटेंट प्रोविजन क्रिएट कर लीजिए। 194G में टीडीएस कटा है या नहीं, लीगल ऑडिटर कंसल्टेंट डायरेक्टर सिटिंग फीस, 194C में एडवर्टाइजमेंट केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टेशन इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। मैं थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ, सिक्योर लोन के केस में बैंक स्टेटमेंट से मिला लो इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है क्या रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, तभी आपको इसका डिडक्शन एज पर 43B मिलता है। और MSME मैं बोनस अगर बोलूं जो इसमें पॉइंट्स मेंशन नहीं है, MSME का प्रोविजन चेक करो, इसमें पॉइंट्स मेंशन नहीं है मैं लिख दूंगी। अच्छा जो 12 महीने का खर्चा है वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना सैलरी फरवरी महीने तक का रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं, मार्च तो भूल ही जाते हैं, तो पेमेंट तो अप्रैल में हो रहा है भूल जाते हैं मार्च, ऐसा मत करिए, पूरा 12 महीने का खर्चा जो है वो रिकॉर्ड कीजिए। प्रॉपर रिसीट होना चाहिए डोनेशन का, क्या डोनेशन में 80G का डिडक्शन आपको मिलेगा वो आप देख लीजिए, क्या आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू तो नहीं दिखा दिया, जैसे आपने फिक्स एसेट खरीद लिया है लेकिन आपने उसे PL में दिखा दिया, तो ऐसे हमें नहीं करना है। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट कंपनीज एक्ट टीडीएस रिसीवेबल हैज बीन बुक फॉर इंटरेस्ट इनकम, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आया है तो उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो टीडीएस रिसीवेबल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता ना हमें पता ही नहीं होता कि हमारा इनकम है, कभी कभी हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, तो AIS देख लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26 AS देख लीजिए, आपको आराम से पता चल जाएगा। अच्छा अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस देखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्टिकल आपको पता होना चाहिए उसकी कितनी फैक्ट्री है, कितना गोडाउन है, कितना उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है हेड ऑफिस को छोड़ के, तो वो क्या डिक्लेयर हुआ है GST पोर्टल में, अगर डिक्लेयर हुआ है तो उसका ट्रेड लाइसेंस लिया गया है ये देखना होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तो सब भूल ही जाते भैया, ओपनिंग बैलेंस चेक कर लो एज एन अकाउंटेंट, नहीं तो एज एन आर्टिकल जाके सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टिक 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 कर लीजिए। नेगेटिव कैश नहीं होना चाहिए, अरे पैसा है ही नहीं दे कैसे रहे हो आप, है ना, तो नेगेटिव कैश नहीं होना चाहिए। कैश सर्टिफिकेट हमेशा एक ऑडिटर मांगता है, सीए मांगता है मैनेजमेंट से कि बताइए 31 मार्च को आपका कितना कैश था, मैं तो वहां पर प्रेजेंट नहीं था कैश गिनने के लिए, आप बता दो, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में, या डिपॉजिट या लोन ये सब रीपेमेंट नहीं होना चाहिए 269 के तहत, ठीक है। BRS आपने प्रिपेयर किया है या नहीं, अगर बैंक स्टेटमेंट और बुक्स में डिफरेंस आ रहा है तो ये आपको देखना है। अकाउंट्स का कंफर्मेशन काफी लोग लेना भूल ही जाते हैं, तो अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स कंफर्मेशन लेना है अपने डेटर से क्रेडिटर से, उनका बैलेंस क्या आ रहा है आपकी बुक्स में, आपका बैलेंस क्या आ रहा है उनके बुक्स में, एजिंग कर लीजिए प्रॉपर, क्योंकि देखिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको Schedule 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है, तो उसमें एजिंग चाहिएगा, अभी तो एजिंग बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया तो वो आपको करना है। और मेन तो आपका MSME के तो पहले ही पैसा दे दो,
ठीक है, क्योंकि अगर पैसा नहीं तो भी इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना। फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट का कर देना चाहिए, बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, अगर आपने फिक्स एसेट बेचा है तो जीएसटी का क्या, वो भी देखना है। तो इतना कुछ है, देखिए इतना कुछ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ये चेकलिस्ट आपके लिए रामबाण है। रामबाण मतलब कि तुरंत इसको आप एक्सेल में ले लो और टिक 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 करते रहो कि ऐसा आपने किया है या नहीं किया है, ताकि अगर कोई आर्टिकल आप पे उंगली नहीं उठाएगा, और आर्टिकल को आप भी नहीं बोलोगे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आर्टिकल्स को अगर नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्टिंग एज एन हेल्पर। और सीए आप प्लीज मुझे थैंक यू बोल देना, मेरी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि आपको ये जो है बहुत हेल्प करेगा आपके आर्टिकल्स को, आपके काम को सच में आसान बनाएगा। थोड़ा तारीफ कर दो कमेंट में, कैसा लग रहा है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, काफी अच्छा लगता है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम ये शीट कहाँ से मिलेगा? ये शीट मेरे लिंक्डइन में जाएगा। लिंक्डइन में आपको पूरा डायरेक्शन दे दूंगी मैं जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज लिंक्डइन में आ जाइए, शीट को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो लिंक्डइन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस शीट का, और काफी हेल्पफुल रहेगा ये। तो प्लीज लिंक्डइन में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करने वाली। बहुत अच्छा लगा, आप जब भी कमेंट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मेरा प्रोत्साहन डबल हो जाता है। थैंक यू सो मच।